पटेल नगर में बहुत गरीब लोग रहते हैं और उनको ये ऐसी सहायता करना बहुत जरूरी है। मेरे तरफ से भी अगर कोई कुछ हेल्प लगे तो मुझे बताइए। मेरे तरफ से भी मैं इस अच्छे कार्य में मेरा भी थोड़ा योगदान होना चाहिए, ये मुझे जरूरत मुझे ऐसा लग रहा है। और थैंक यू। हम लोग जो है श्री साई धाम चैरिटेबल ट्रस्ट है, तो हम लोग हर गुरुवार को जो है सुबह शाम भंडारा करते हैं। कम से कम 2000 पब्लिक सुबह रहते हैं, शाम को 2000 पब्लिक रहते हैं। तो सुबह में तो हम लोग खिचड़ी बनाते हैं सर, और रवा रहता है, और शाम को पूड़ी भाजी सब भरपेट हम लोग खिलाते हैं, दिल से खिलाते हैं। और हम लोग का जो भी राशन वहाँ बचता है तो हम लोग ये सब लोग मिल के हम लोग ये रास्ता निकालें कि जो गरीब हैं और जो इसको ज़रूरतमंद है, तो हमारी टीम जाती है सब जगह पे, चेक करती है। चेक करने के बाद में जो अनाज हमारे पास बचता है हम लोग गरीब को देते हैं साहब, घर घर जाके स्टाफ लेते हैं, उनको हम लोग पूछते हैं, और जिसको ज़रूरतमंद है उसको हम लोग राशन देते हैं साहब। श्री साई धाम चैरिटेबल ट्रस्ट कितने साल से लोगों की सेवा करते हैं? ये साहब बहुत सालों से है, बहुत साल हो गया, ये समझो 85 से है सर। 85 से पहले खिचड़ी बनाते थे, इसके बाद में हम लोग जो ने ये बड़ा भंडारा किया, बड़े भंडारे से अभी ये बड़ा हम लोग करने के लिए सोच रहे हैं। ये दूसरी बार है ऐसी कॉलोनी में, ये गणपत पाटिल नगर में दूसरी बार है। अभी और बड़े कोटेशन में हम लोग बांटने का मतलब है मकसद। आज क्या क्या बांटने वाले? आज बांट रहे हैं हम लोग सर 10 किलो चावल है, 5 किलो गेहूँ है, और नमक है, तेल है, मसाला है और दाल है। दिवाली से पहले लोगों की दिवाली आप बना रहे हैं? हाँ साहब, एक महीने के उनको हम लोग खर्चा दे रहे हैं, जो है जरूरतमंद उनको एक महीने का हम लोग खर्चा दे रहे हैं कि अपने घर पे बनाए खाएं। जो काम का वो काम तो आप कर रहे हैं सर। नेते लोग अभी क्या है सर, हमारा तो टेस्ट है, हमारे मंदिर पे पब्लिक आके देखती है। हम लोग जो शाम को खिलाते हैं, भंडारा चालू होता है, तो देखने वाले हैरान हो जाते हैं सर। हम लोग बहुत अच्छा काम करते हैं साहब, जो है हमारे मंदिर पे तो इतनी बड़ी लाइन लगती है सर के खिलाने के लिए। और पूड़ी बना के हम लोग खिलाते हैं, पूड़ी कोई भी मंदिर वाले नहीं खिलाते हैं। हमारे मंदिर पे हर गुरुवार को 50 किलो आटा तो पूड़ी बनता है हर गुरुवार। काम करने के लिए प्रेरणा कौन दे रहा है आपको, दिमाग? कुछ नहीं साहब, बस बाबा की इच्छा है, बाबा की इच्छा है, बाबा की इच्छा है, हम लोग कर रहे हैं साहब, उनकी इच्छा है इसके लिए हम लोग कर रहे हैं। अमरजी पुलिस स्टेशन के सीनियर साहब ने भी संस्था की तारीफ की है, क्या कहेंगे साहब? उनके दूसरे दो बार हो गया उनके हाथ से बंटवाया राशन, क्योंकि हम लोग नेते से नहीं बंटवाते, ये सरकारी कर्मचारी हैं और बहुत अच्छे लोग हैं। और नेता को अगर एक नेता को बुलाएगा, दूसरे नेता को नहीं बुलाएंगे तो वो लोग मतलब हो जाएंगे। ऐसे हमारे गोपाल सिटी भी बहुत करीब हैं और बहुत अच्छे खासा जमता है। प्रकाश सुरभि को हम लोग जिताए, प्रकाश सुरभि भी हमारे बहुत खास आदमी हैं। जितनी भी नेता हैं सब हमारे खास हैं, सबको हम लोग बुलाते हैं। सालकर साहब आने वाले थे आज? हाँ आएंगे, वो भी आएंगे, बहुत बड़ा उम्मीद है, उनको हम लोग बुलाए हैं। और जितनी भी पार्टी वाले हैं, हमारा तो कोई पार्टी नहीं, हमारा साई राम है, तो हम लोग साई राम वाले हैं सर। हर पार्टी को हम लोग स्वागत करते हैं और हर पार्टी को बुलाते हैं। थैंक यू। और कौन बोलेगा? श्री साई धाम चैरिटेबल ट्रस्ट हर वर्ष इस तरह से कार्यक्रम करती है, एक बेहतरीन कार्यक्रम आज यहाँ अंजाम दिया जा रहा है। सबसे पहले जितने भी हमारे मीडिया प्रभारी बंधु हैं, सभी को तहे तहे हृदय से मैं अभिवंदन और स्वागत करता हूँ। और श्री श्री साई धाम चैरिटेबल ट्रस्ट के जो आप माननीय संयोजक आयोजक श्री मुरली प्रसाद चौधरी जी के लिए मैं चाहूँगा एक बार जोरदार ताली आप लोग बजा दीजिए। बोले सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ये कहीं न कहीं इंसान के रूप में एक देवता का ही अंश है इनके भीतर, जो इस तरह का शुभ कार्य और ऐसे सद्भावना और ऐसे सुंदर विचार धारा जो है ऐसे व्यक्ति के अंदर पनपती है। मैं कई वर्षों से आज विगत देख रहा हूँ कि इस तरह के जो आयोजन होते हैं भव्य रूप से इनका जो है रहता है। यहाँ से लेकर के टाटा पावर आप चले जाइए, हर गुरुवार को जिस जन सैलाब के साथ भक्त लोग वहाँ पर उमड़ते हैं, जिस हिसाब से इनकी व्यवस्था रहती है शायद ही ऐसा कोई कर पाता है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि इस तरह का दीन दुगुना रात चौगुना श्री साई धाम चैरिटेबल ट्रस्ट बढ़ते रहे और इस तरह का कार्य करते रहे। बोल सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। संत वितरण का कार्यक्रम है, आपको निमंत्रित किया गया है, और जो काम नेताओं को करना चाहिए वो एक संस्थान कर रहा है। अच्छा किया है, अच्छा किया है, बहुत बढ़िया। दिवाली अच्छी होने वाली? दिवाली अच्छी होने वाली। थैंक यू दादी, कर रहे हैं सब अच्छे। आपके कॉलोनी में तो बहुत नेता रहते हैं, लेकिन एक को नेता नहीं काम करते। अब हम लोग उनके बारे में कुछ कह नहीं सकते।